नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अकड़ बकड़ राहुल धाकड़ और स्वागत करता हूं आपका डिफरेंशिएशन में। जी हाँ, मैथ्स डैडी पर। तो आओ शुरू करें। इस रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो दोस्तों, क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन? आपने अभी तक नॉर्मल डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, जहां पर एक क्वेश्चन आती थी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया। इसका मतलब क्या था कि एक तरफ रहता था y और दूसरी तरफ था आपके पास एक डिफरेंशिएट करने के लिए एक छोटा सा फंक्शन। वो फंक्शन कैसा भी हो सकता था, लॉग के फॉर्म में हो सकता था, या एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो सकता था, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में हो सकता था। लेकिन बस ये क्लियर था कि आपके पास एक तरफ रहेगा वाई और दूसरी तरफ सिर्फ एक्स की ही क्वांटिटी रहती थी, जिसको हमको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना रहता था। और इसी तरह हम निकालते थे डीवाई बाई डी एक्स। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो ये क्या था, ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन था। यहां पर एक तरफ वाई था और पूरी तरफ एक्स की क्वांटिटी थी। लेकिन अब जो मैं आपको देने वाला हूं वो एक्चुअली ऐसा इस फॉर्म में नहीं रहेगा, इस फॉर्म में नहीं रहेगा। अब के फॉर्म में रहेगा कि भैया, मतलब एक तरफ या दोनों तरफ x और y की मिक्स्ड। हाँ, मतलब बात वही है, सब कुछ वैसे ही रहेगा। बस ये है कि अब x और y आपको अलग अलग साइड नहीं मिलेगा, अब मिक्स मिलेगा। तो देखिए किस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन में। मिक्स वाले, तो ये है आपका मिक्स। देखिए, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3ax y, मतलब x और y दोनों तरफ बिखरे हुए हैं और मिक्स फॉर्म में है। एक और सवाल देख लेते हैं, इफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो मतलब एक ही तरफ है सारे टर्म्स लेकिन उसमें मिक्स है, तो क्या दिक्कत है? जिस तरह से हम लोग अलग अलग करते थे डिफरेंशिएट, वैसे इस बार सेम उसमें फॉर्म में कर देंगे। तो देखते हैं किस तरह करते हैं इसको। अब बताइए मुझे, x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड में एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन भी होगा और यहां पर 3ax y का भी होगा या वाई क्यूब का भी होगा। अब एक एक टर्म का डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। 3x क्यूब का क्या होगा? वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3y square, लेकिन साथ में dy/dx छूट जाएगा क्योंकि x का टर्म नहीं है ना, ये क्योंकि अगर y का टर्म है तो y डिफरेंशिएट तो होगा, लेकिन फिर चेन रूल के कारण y का डिफरेंशिएशन फिर से होगा। बात समझ में आई आपको? नहीं समझ में आई? देखिए, y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3y square, लेकिन y तो बचा है ना अभी, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy/dx 3ax y। इसमें 3a कॉमन है, मतलब 3a कांस्टेंट है, तो कॉमन निकल जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ किसका? xy का। अब xy का जब डिफरेंशिएशन होगा तो क्या लग जाएगा? हाँ, प्रोडक्ट रूल, मतलब पहले वाले को छोड़ेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस फिर दूसरे वाले को छोड़ेंगे और पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब xy को डिफरेंशिएट करना है आपको, तो पहले x छूट जाएगा और y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx, प्लस अब y छूट जाएगा और x का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो 1 लिखिए ना, मैं y into 1 1। अब आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या बनती है कि सारे dy/dx एक तरफ कर दो और बाकी सारे टर्म दूसरी तरफ, ताकि dy/dx की वैल्यू निकाल सके। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि dy/dx की टर्म लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूं। अब बस dy/dx की वैल्यू निकालनी है आपको, बाकी सब चीज को यहां से भेज दीजिए। 3-3 कैंसिल, योर आंसर इज, तो नोट दिस डाउन, इतनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पे देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें आपको फिर से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करना है। वैसे बोथ साइड में क्या, देखिए इस तरफ सिर्फ 0 है तो इट हार्डली मैटर्स, लेकिन तब भी लिख तो दीजिएगा। तो दोस्तों, आपने यहां देखा होगा मैंने एक एक टर्म को पकड़ के डिफरेंशिएट कर दिया, यहां पर लिखा नहीं मैंने कुछ क्योंकि dy/dx ऑफ 0 है 0 ओनली। अब यहां पर a कॉमन निकल जाएगा, यहां पर 2h कॉमन निकल जाएगा, यहां b कॉमन निकल जाएगा, 2g कॉमन निकल जाएगा, 2f कॉमन निकल जाएगा, यहां पर क्योंकि सिर्फ c है तो c का डिफरेंशिएशन फिर से 0। तो आपको ये समझ में आ ही रहा होगा कि अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं dy/dx वाली टर्म एक तरफ ले रहा हूं, बाकी टर्म को इस तरफ भेज दूंगा।
अब सारे टर्म को नीचे और यहां पे आ जाएगा। अब ये 2h 2b 2f यहां से 2 कॉमन निकल जाएगा, सिमिलरली न्यूमरेटर से भी 2 कॉमन निकल जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए यहां पर आपके पास तीन सवाल दिए हुए हैं। अच्छा क्या दिखिए रहा, अब दिख रहा है तीन सवाल, इसमें एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूशन मतलब आप बोलेंगे सर सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है, अरे भाई चीजें सब्स्टिट्यूशन से आसान हो जाती हैं। आप खुद सोचो अगर आप इस चीज को नॉर्मली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करते, एक मिनट करके देखते हैं ठीक है, ये तो आ गया, इसको डिफरेंशिएट करते फिर आप, फिर इसको डिफरेंशिएट करते तो परेशानी आती है आपको, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ठीक है। और क्योंकि इसमें दिक्कत क्यों आ रही थी आपको, क्योंकि फिर यहां पर देखिए डीवाईडीएक्स यहां पर आया है, एक डीवाईडीएक्स यहां पर आता तो ऑब्वियसली चीजें डीवाईडीएक्स निकालने में आपको दिक्कतें आती ही आती, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन से हम इस चीज को आसान कर सकते हैं। यहां पर आप एक्स की जगह साइन अल्फा, वाई की जगह साइन बीटा या कॉस बीटा ला सकते हैं। अच्छा आपके दिमाग में आएगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि कहां पे क्या डालना है, जैसे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये साइन और कॉस का फॉर्म है, 1 माइनस वाई स्क्वायर ये भी साइन कॉस का फॉर्म है ना, 1 माइनस कुछ स्क्वायर रहेगा तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है। वहीं पर आप यहां पर देखिए, यहां पर भी 1 माइनस वाई स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सेम तरह का सवाल है, यहां पर भी साइन और कॉस आराम से डल जाएगा। लेकिन यहां पर आप देखिए 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स, 1 प्लस वाई स्क्वायर होता या 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो वहां पर आप टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, लेकिन अगर यहां 1 प्लस वाई है और 1 प्लस एक्स है तो भैया नहीं हो पाएगा, ऐसे तो सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब आपको देखकर, क्वेश्चन देखकर समझना पड़ेगा कि क्या करें। अच्छा आपके दिमाग में आएगा कि सर यहां पर सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा तो क्या हुआ, यहां पर हम आराम से नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा ना, यहां पर सब्स्टिट्यूशन था तो इन्हें क्वेश्चन ही ऐसा दिया था कि आप अगर नॉर्मली डिफरेंशिएट करोगे तो डीवाई बाई डीएक्स निकालने में हालत खराब हो जाएगी, लेकिन जब आप यहां पे सॉल्व करेंगे ना तो क्वेश्चन भी वो ऐसा देगा कि आपको डिफरेंशिएट, नॉर्मली डिफरेंशिएट करने पर भी, बिना सब्स्टिट्यूशन के डिफरेंशिएट करने पर भी इजिली आंसर आ जाएगा। तो हम ये तीन सवाल करने वाले हैं अभी, लेट्स ट्राई। तो यहां पर थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए कि आपने एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा और वाई इज इक्वल टू साइन बीटा ले लिया है, आप साइन और कॉस भी ले सकते थे, पर आप खुद सोचो ना आप खुद को ही परेशान करते, फिर उसमें अलग अलग फॉर्म में आती फिर से वैल्यू, फिर आपको कन्वर्ट करनी पड़ती। इससे बेटर है कि एंगल, क्योंकि एक्स और वाई है तो एंगल आप डिफरेंट ले लीजिए, पर आप लीजिए सेम फंक्शन, तो मैंने साइन फंक्शन ले लिया है राइट। अब मैं धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट करता हूं, ठीक है वेट करिएगा। यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और बचेगा कॉस अल्फा। यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर बीटा, और बचेगा कॉस बीटा। आपको क्या कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला नहीं पता है, क्या आपको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला नहीं पता है, पता है ना, वही सी और डी वाले फॉर्मूले, वो लगा दीजिए। तो यहां पर देखिए आपने पूरा कॉस सी प्लस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्म लगा दिया है, जहां पर आपको कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, यहां से टू, यहां से टू कॉमन ले रहा है ठीक है। तो अपन ये टू मत काट देना भाई, ये वाले टू है ना, ये एंगल वाले हैं, तो यू आर लेफ्ट विथ राइट। तो आपके पास इतना बच गया है, इसको अगर आप चाहें तो नीचे भेज सकते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा देख लीजिए जरा, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, अब आपको कहीं ना कहीं ये यूज करना है इनवर्स में भी। देखिए कैसे, अगर एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा और बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप अगर अल्फा और बीटा में ये चीज यूज करना चाहते हैं तो आपको कॉट को पहले उस तरफ भेजना पड़ेगा, तो कॉट जैसे ही उस तरफ जंप करेगा तो कॉट इनवर्स बन जाएगा राइट। अब अल्फा और बीटा राइट, अल्फा और बीटा देखिएगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या दी है आपको, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई। अब जो है डिवाइड टू भी है, डिवाइड बाय टू अब वहां चला जाएगा,
दोस्तों यहां पे देखिए आपका ये आ गया है सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया है जहां पर आपको इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। क्या आपको इसका डिफरेंशिएशन नहीं पता? क्या आपको इसका डिफरेंशिएशन नहीं पता? क्या आपको इसका डिफरेंशिएशन नहीं पता? पता है ना, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। यहां पर डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, इसका क्या आएगा? हाँ, ऑब्वियसली बात है, y है यहां पे तो dy / dx भी आएगा, और यहां पर डिफरेंशिएट करने पर जीरो। तो दैट्स इट, आपको सिर्फ उसको इस तरह भेजना है जो कि आपको देगा, ये इधर जा चुका था, ये ऊपर गया। मेरे ख्याल से यही चीज आपको प्रूव करनी थी, तो हेंस प्रूव्ड। दोस्तों करेक्शन थोड़ा सा क्वेश्चन में कर लीजिएगा, यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों यहां पर आप देखिए, वैसे इस तरफ फोर्थ क्वेश्चन है, लेकिन तब भी मैं जान कुछ कर एक फिफ्थ क्वेश्चन पहले कर रहा हूं ताकि आपको ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या करेंगे आप, वही चीज है यहां पर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही करेंगे फिर से आप, और आप पहले ही लिख दीजिए ये, क्योंकि अल्फा और बीटा यहां पर जुड़ा हुआ है, बस आपको इसे वैल्यू डालनी है। यहां पे क्या होगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस बीटा, क्योंकि स्क्वायर रहेगा तो रूट हट जाएगा, और यहां पर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा। अब यहां पे आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको, उससे पहले इसे फॉर्म लग रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहां देखिएगा आप लोग, यहां पर आप इसको इनवर्स भेज देंगे, तो यू आर लेफ्ट विद अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। नाउ अल्फा इज व्हाट, अल्फा फॉर यू इज साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और यहां पर आ गया है साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1, साइन पाई बाय 2 पर 1 होता है, मतलब 90 डिग्री पर 1 होता है, इसका मतलब पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो दोस्तों कहते हो कि पाई बाय 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 होता है, तो क्या मैं इस वाले साइन इनवर्स 1 की जगह पाई बाय 2 डाल सकता हूं, क्योंकि आप देखिए ना साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 2, तो आपने पाई बाय 2 लिख दिया। अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होगा, आप बताइए, क्या इसका आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता? क्या आपको इसका डिफरेंशिएशन नहीं पता? क्या आपको इसका डिफरेंशिएशन नहीं पता? पता है तो लिख दीजिए ना, क्योंकि आपने y को डिफरेंशिएट किया है, तो यहां पे dy / dx भी आएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाय 2 इज 0। बस अब इसको आप सिस्टमेटिकली अरेंज कर दीजिए तो आपके पास आंसर क्या आएगा, हैंस प्रूव्ड, नोट इट डाउन। दोस्तों वैसे इस तरह का क्वेश्चन आपने मेरे वीडियोस में देख चुका होगा पहले भी, मैंने वहां पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ऐसे कुछ क्वेश्चन डाले थे। इसको सॉल्व करना, अगर आप चाहते मैं सॉल्व करूं तो कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको क्योंकि 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, 1 प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होती चीज तो आप इसमें टेन थीटा या टेन अल्फा टेन बीटा लगा देते, लेकिन अभी यहां पर जरूरत नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। आप इसको डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पर परेशान हो जाएंगे, तो इट इज बेटर टू गेट रिड ऑफ रूट्स, राइट। तो रूट से हम कैसे निजात पाते हैं, कैसे छुटकारा पाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड के लिए भी पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लाना पड़ेगा, देख लेते हैं कैसे। आप यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि अगर आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं किया तो फिर आप फंस जाओगे भाई, है ना। इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ में लेकर आप चाहे तो कॉमन भी निकाल सकते हैं इसमें से। अब यहां से एक्स माइनस वाई कॉमन निकल जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विथ एक्स प्लस वाई, एक्स वाई इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली बात है, ये भी आपका इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, तो ये वाली टर्म इक्वल टू जीरो हो जाएगी, यहां पर ये वाली टर्म भी इक्वल टू जीरो हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर आपके पास आ गई है कुछ ऐसी इक्वेशन, यहां पे चाहे तो आप यहां से भी डिफरेंशिएट कर दें, पर डिफरेंशिएट करेंगे तो दो तीन स्टेप्स के बाद समझ में आएगा कि आप फंस रहे हो। तो इट इज बेटर इफ यू नीड टू फाइंड dy / dx, व्हाई डोंट वी फाइंड y ओवर हियर एंड देन डिफरेंशिएट इट टू गेट dy / dx। अब यहां से y की वैल्यू क्या आई, है ना, शिफ्टिंग करके आपने y की निकाली वैल्यू, अब यहां डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूं मैं क्या आएगा, यहां पे यहां भेज दिया मैंने, क्वेश्चन रूल विल बी अप्लाइड, यस।
अब जैसे ये खुलेगा, ये माइनस वन जो है इसे मल्टीप्लाई होगा और दिस विल बिकम माइनस वन माइनस एक्स प्लस एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये वाला सवाल होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी सीरीज पसंद आ रही है, अगर आप ऐप में देख रहे हैं तो भैया प्ले स्टोर पर जाकर रिव्यू करिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ठीक है, ये मेरे बाजू जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये भी आपको सॉल्व करना है, तो वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन नोट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, नमस्कार। Midgets that be fire juggling, maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown, know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole, yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show.